झारखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर करने का वादा सरकार करती है, लेकिन सरकार के दावों की हवा शिक्षक निकाल दे रहे हैं। बिना किसी सरकारी अवकाश के ही स्कूल को बंद कर शिक्षक चले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ताला बंद देख वापस घर लौट जा रहे हैं। ताजा मामला बागमारा प्रखंड के जमुआटार पंचायत झारखोर प्राथमिक विद्यालय की है, जहां आज बिना किसी सरकारी छुट्टी के स्कूल के गेट में ताला लगा पाया गया। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी ताला लगा देख वापस घर लौट गए। स्कूल बिना किसी अवकाश के ही बंद होने का पता स्थानीय मुखिया निरंजन गोप को तब पता चला जब वह स्कूल के तरफ से गुजर रहे थे। स्कूल में ताला लगा देखने के बाद पंचायत के अन्य स्कूलों का भ्रमण किए, जहां सभी स्कूल अपने निर्धारित समय अनुसार खुला पाया। बिना किसी अवकाश के विद्यालय में ताला लटका देख मुखिया नाराजगी जाहिर की। दूरभाष पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात कर विद्यालय के शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार से जब दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में दो शिक्षक है, इसके बावजूद भी अगर विद्यालय बंद है तो विद्यालय के शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वही स्थानीय मुखिया निरंजन गोप ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों की मनमानी चल रही है, यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, तत्काल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया जा रहा, जांच उपरांत मामला सही पाए जाने पर नियम संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है सर कि एक्चुअली आज तो ऐसे कोई बंदी उंदी है नहीं, ना सरकारी बंदी है ना किसी तरह की बंदी है, लेकिन जब हम लोग झारखंड स्कूल में जब क्रॉस कर रहे थे, आज साड़ी वितरण था वो पीटीसी दुकान में, तो देखें कि स्कूल बंद है, तो स्कूल बंद है तो बाकी स्कूल खुला है, तो हम बोले कंप्लेंट किसे करें। तो अब नेक्स्ट चुनाव हुआ मुखिया का, इसमें हमारे मुखिया जी का मेन मुद्दा था कि सबसे पहले शिक्षा पर जोर देंगे, जो हमारी शिक्षा जो पंचायत में जो कमजोर है, तो बोले शिक्षा की बात हमारे मुखिया जी करते हैं तो क्यों नहीं, शिक्षा का ही पहला प्रॉब्लम समय से आई है तो मुखिया जी से बात को रखेंगे। मुखिया जी से हमने बात कहा कि आपके पंचायत में एक स्कूल है झारखोर जो ताला लगा हुआ है, बताइए मुखिया जी इस तरह एक ताला लगा हुआ है बाकी स्कूल खुला हुआ है और आप बता रहे हैं कि हम सबसे पहले यहाँ के बच्चों का शिक्षा पर जोर देंगे, तो ऐसे में क्या बच्चा शिक्षा जो उनके भविष्य है शिक्षा के माध्यम से क्या उजागर होगा। मामला यह है कि अभी हम एक घंटा पहले यहाँ से गुजर रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही गुजर रहे थे तो देखें यहाँ पे मतलब आपका जो प्राथमिक विद्यालय झारखोर जो है उसका मतलब गेट बंद है, तो गेट बंद है, ताला बंद है, तो हम सोचे कि आज कोई कारणवश छुट्टी तो नहीं है। जब फिर बगल के बस स्कूल गए सिरसरपुर तो वहाँ देखे वहाँ स्कूल खुला हुआ है, बच्चा लोग खाना खा रहे हैं MDM का, तो फिर हमने मतलब स्कूल जो प्रधानाध्यापक है अनिमा कर्मकार जी तो उनसे बात किए, तो बोले कि नहीं हम किसी मतलब आपका स्कूल का MDM का जो है चावल लाने के लिए गए हैं जिस वजह से स्कूल बंद कर दिए। तो हमने फिर उनसे बात की कि स्कूल में तो दो आपका शिक्षक है तो एक को रह के दूसरे को जाना चाहिए था, तो उन्होंने बताया कि दूसरा जो शिक्षक है वो एग्जाम ड्यूटी में लगा हुआ और हम मतलब चावल लाने के लिए गए हैं। जब ऊपरी पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात किए तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई मतलब नहीं है प्रावधान नहीं है कि मतलब स्कूल बंद करके वो MDM का खाना लाने जाए, उसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो वहाँ का चावल ला सकते हैं ना कि मतलब स्कूल बंद करके जा सकते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि इस पर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बोला जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं पूरी मनमानी है और ये इसी स्कूल का समस्या नहीं, कल जो है हमारे प्राथमिक विद्यालय आपका जमुआटार मध्य विद्यालय जमुआटार और उच्च विद्यालय जमुआटार वहाँ के मतलब बहुत सारे समस्या और कंप्लेन आ रहे हैं वहाँ के स्कूल के बच्चों के द्वारा। क्या हॉलीडे है? झारखंड में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें आज जो बच्चे हैं सो वापस लौट गए हैं, बताया जा रहा है कि मास्टर जो है सो कहीं गए हुए हैं। अगर ये ट्रू पाया जाता तो क्या करेंगे? होगा जो भी कार्रवाई होगी, पहले तो कारण जानेंगे।